हूँ, पसंद ही नहीं था। उसकी कीमत ज़्यादा है, 2,10,000 है। 3 हज़ार की जो 4+1, हाँ महिंद्रा की 4+1 की, जो चार सवारी एक पैसेंजर, सेम टू सेम सिंगल बैटरी ढाई बैटरी है, लिथियम वाली, पानी नहीं डालना पड़ता उसमें। तो आपको ये नहीं, उसकी जानकारी नहीं थी जब आपने इसको खरीदा? हाँ, इसको खरीदा। अच्छा, आगे अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ा इंक्वायरी करेंगे, इसके बाद में बात करेंगे। अच्छा, यानी कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहता है तो मयूरी की ई रिक्शा खरीद सकता है क्या? उसको कैसे है खरीदने में? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और हम उज्जैन पे हैं अभी, और उज्जैन से आपके लिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये देखो, बहुत ही शानदार छिपरा नदी का जल यहाँ पे भरा हुआ है, और यहाँ पे पूरा मंदिर वगैरह है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे सकें और पूरी वीडियो दिखा सकें। और ये खड़ी हुई है महिंद्रा की ट्रियो ऑटो। और ये ई रिक्शा खड़ा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे ई रिक्शा हैं दोस्तों। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और हम आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हमारे सामने में मयूरी की ई रिक्शा खड़ी हुई है। आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। इसके जो मालिक है, ओनर है, हम उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मयूरी की ई रिक्शा कितने किलोमीटर चलती है, कितने देर में चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और पूरी जानकारी को समझें ताकि आपको अगर खरीदना रहे तो खरीदने में आसानी हो सके। भाई साहब, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपका नाम क्या है? नितेश भदौरिया। नितेश भदौरिया जी सर। अच्छा, कितने दिन से आप ये मयूरी की ई रिक्शा चला रहे हैं? दो महीने से जी। कैसी है गाड़ी चलने? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जी, एकदम मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है सर। अच्छा, तो आप इसको 2 महीने से चला रहे हैं जी सर। तो आपने ई रिक्शा ही क्यों खरीदी? आपने CNG खरीद लेना था या पेट्रोल वाली कोई दूसरी गाड़ी खरीदी? ये इलेक्ट्रिक है और बढ़िया चलती है, माइलेज इसका 120 का है। अच्छा, हाँ, और इसमें काफ़ी इनकम होती है इसलिए। अच्छा, इसके लिए आपने इसको लिया जी। अच्छा, तो मयूरी ही क्यों? और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, महिंद्रा है, एक्साइड है, कनेटिक है, यहाँ पे है। सर, मुझे मयूरी पसंद है, हमारे पास 4 गाड़ी है मयूरी की। अच्छा, मयूरी की आपके पास में 4 गाड़ी है। अच्छा, चलने में अच्छी है, माइलेज अच्छा है इसका। तो आप इसको कितने में खरीदी है, किस कीमत क्या है इसकी? 1,80,000 कीमत है। 1,80,000 नकद में जी। अच्छा, फाइनेंस कराएंगे तो अलग? हाँ, फाइनेंस कराएंगे तो अलग अलग। ओके, चार्जिंग कितने देर में आप करेंगे? 8 से 9 घंटे में फुल हो जाती है चार्ज। 8 से 9 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज करने के लिए जी। और जब एक बार फुल चार्ज होती है तो आप इसको कितने किलोमीटर चलाते हैं? 120 किलोमीटर चल जाती है। 120 जी। कंपनी कितना बोलती है? कंपनी 8,000 बोलती है। कंपनी 8,000 बोलती है, बट अभी नई बैटरी है तो 120 चलती है। अच्छा, हालांकि इसको मैंने 130 तक भी चलाई है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, क्योंकि ये पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि कंपनी 100 बोलती है लोग 80 चलाते हैं, कंपनी आपको 80 बोलती है तो आप 100। कंपनी 8,000 ही बोलती है। अच्छा, कंपनी 8,000 बोलती है। क्योंकि अभी नई गाड़ी है, बाद में माइलेज कम होगा इसलिए वो भी 8,000 बताते हैं।
कितनी सवारी आप बैठा लेते हैं इसमें? 5 सवारी हो जाती है। जैसे चढ़ाई उड़ाई में कोई दिक्कत आती है? कभी कभी 30 की स्पीड है। लोड पे हो जाती है कम से कम 14-15 लोड के हिसाब से, किस हिसाब से गाड़ी चढ़ना। फिर भी आप ज्यादा कितनी सवारी बैठा सकते हैं? 5 सवारी बैठा। 5-6 सवारी? 5-6 सवारी आपको लेके छे? हाँ मुझे लेके छे। अच्छा, तो जैसे आप उज्जैन घुमाने कितना पैसे लेते हैं? वो कहाँ कहाँ दर्शन कराते हैं? हम कराते हैं गढ़काली का, भरथरी गुफा, मंगलनाथ, काल भैरव और सांदीपनि आश्रम, सिद्धवट, ये करवाते हैं बाहर के। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं? 400-500 रुपये। और सिंगल आदमी का? सिंगल आदमी के 400 रुपये। अच्छा, अगर ज़्यादा रहेंगे तो? ज़्यादा रहेंगे तो वही 400-500 यही चल रहा है। अच्छा, यानी गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा? हाँ, गाड़ी बुक करके। कितने दिन में पूरे दर्शन करा देते हैं? 5-6 जगह 2.5-3 घंटे। हम 3 घंटा लगे? 3 घंटे। अच्छा, पानी वाले के? पानी वाले। और सूखी बैटरी नहीं? सूखी बैटरी नहीं। इसको चार्जिंग का टाइम कितना लग जाता है? रात भर 8-9। हाँ, रात भर 8-9 घंटे। लेकिन जो महिंद्रा की आई हुई है जो 2.5 घंटे में चार्ज होती है, 3.5 घंटे में चार्ज हो, आपने उसको क्यों नहीं लिया? वो देखा ही नहीं मैंने, गाड़ी यही पसंद थी यही ली मैंने। लेकिन आपके शहर में तो घूम रही है, मैंने देखा घूम रही ना, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। महिंद्रा की ट्रियो ऑटो है, ट्रियो यारी है, जो कि 2.5-3 घंटे में चार्ज होती है। जी जी, और वो भी इतनी चलती है 80 किलोमीटर, तो आपने उसको क्यों नहीं लिया? वो पसंद नहीं था ना, उसकी कीमत ज़्यादा है। 2,10,000 है थ्री यारी की, जो 4+1। हाँ, महिंद्रा की 4+1 की, जो 4 सवारी 1 पैसेंजर, सेम टू सेम सिंगल बैटरी ढाई बैटरी है, लिथियम वाली, पानी नहीं डालना पड़ता उसमें। तो आपको यानी उसकी जानकारी नहीं थी? हाँ, जब आपने इसको खरीदा? हाँ, इसको खरीदा। अच्छा, आगे अगर आप खरीदेंगे तो थोड़ा इंक्वायरी करेंगे? हाँ, इसके बाद में इसके बात करेंगे। अच्छा, यानी कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई खरीदना चाहता है तो मयूरी की ई रिक्शा खरीद सकता है क्या? उसको कैसे है खरीदने में, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मयूरी की गाड़ी खरीदी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा खासियत क्या है मयूरी में कि सिर्फ मयूरी की ही खरीदे? देखो, कंपनी तो बहुत सारी है, सबके अलग अलग रहती है, बाकी अपने पास जो चला रहे हैं वो गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है। अच्छा, जो आपके पास में दूसरी गाड़ी है वो कौन सी कंपनी की है? नहीं, 4 मयूरी है अपने पास। अच्छा, सारी मयूरी की? हाँ, मयूरी पसंद आ गई, चारों मयूरी। एक वो सामने ही खड़ी है। अच्छा, वो दो गाड़ी और हैं। तो दोस्तों, ये भाई साहब जो हैं, इनके पास में मयूरी की ई रिक्शा है, ये आप देख सकते हैं, गाड़ी देखने में काफ़ी शानदार है और ये उज्जैन शहर में चलाते हैं। अगर आपको उज्जैन दर्शन करना है तो आपसे 500 रुपये या 400 रुपये लिया जाएगा, और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको दर्शन 500 रुपये में करवा दिया जाएगा। आपको 5-6 जगह घुमाया जाएगा, और जो घुमाने का टाइम है लगभग 2.5-3 घंटा लगने वाला है। तो जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो आना चाहते हैं कभी उज्जैन घूमने, तो ज़रूर आएं और यहाँ के ई रिक्शा में बैठें और उज्जैन बाबा भोलेनाथ श्री महाकाल के दर्शन करें। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।